आपने कहीं न कहीं डीआरडीओ का नाम सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आवर टैगलाइन इज वीर भोगे वसुंधरा, मींस दोज हु आर हार्ड वर्किंग एंड एंबिशियस, दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाटएवर दे वांट इन देयर लाइफ। सो हम आज डीआरडीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर सुना होगा कोई मिसाइल का टेस्टेड हुआ, किसी भी डिफेंस चीजों से रिलेटेड इसका नाम सुना होगा। ये क्या है, हम आज इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डीआरडीओ जो है R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद द विजन टू एम्पावर द इंडिया विद द कटिंग एज्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ए मिशन टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन ए क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा क्या है कि जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स हैं, ये अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं, इनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं डीआरडीओ को, फिर डीआरडीओ उसी हिसाब से बनाता है उसका। अब जैसे ये लोग कैसे रिक्वायरमेंट बताते हैं, जैसे हमारे सामने जो हमारे पड़ोस जो नेशन है कितने ताकतवर हैं, उनके हिसाब से फिर बताया जाता है कि कम से कम उससे तो बेटर हो, उस वाले उनके पास जो मिसाइल है उससे बेटर हो, तो उस हिसाब से वो लोग बताते हैं अपना रिक्वायरमेंट। डीआरडीओ का पर्पस क्या है, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इंडिजिनस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक सिस्टम, ओके, सच एज अग्नि। आपने अग्नि मिसाइल के बारे में सुना होगा, इस समय अग्नि 6 का बनाने की तैयारी चल रही है, ओके। पृथ्वी सीरीज के मिसाइल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं ना कहीं। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को भी आपने सुना होगा कहीं ना, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम आकाश के बारे में पढ़ा हो। सो हम इसको डिटेल में, इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम बता रहे हैं ये सब चीजों को बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीआरडीओ, ओके, इन सबको बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पहले जो वार और होता था, हम लोग क्या करते थे, जनरली सोवियत यूनियन जब था, इवन अभी रशिया जो है, हम लोग उन्हीं से इम्पोर्ट करते हैं। अभी भी 50% से ऊपर ही हमारा इम्पोर्ट डिपेंड, तो अभी गवर्नमेंट का जो प्रायोरिटी है कि इसको इंडियनाइजेस, मतलब इंडिया में ही बने, इंडिया के लोग बनाए, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी बनाए, हम विदेश में एक्सपोर्ट करें, उससे हमारा रिवेन्यू जनरेट हो और हम खुद भी आत्मनिर्भर और सेल्फ रिलायंस, ओके, सेल्फ सफिशिएंट। और उसके अलावा जैसे और कई टेक्नोलॉजी है, रडार, जैसे ये सब जो हमने अभी यहाँ ब्लैक किया हुआ, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका सभी ने कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप ऐसे न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते होगे, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल देखते होगे, तो जैसे रडार सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का जमाना आ गया, जैसे इसमें कंप्यूटर में वायरस भेज देते हैं या कुछ हैक करने वाला सिस्टम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक वार। या जैसे क्या होता है, जैसे कि आपने एक मूवी आई थी, मुझे याद नाम याद नहीं, उसमें क्या हुआ था कि उस मूवी में इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी, उसको हैक कर लिया गया था, तो उसमें क्या किया, उसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, जिसकी वजह से पूरे शहर में ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया। अब जैसे जब गलवान वैली का इशू हुआ था चाइना के साथ, तो मुंबई में कुछ स्थानों पे ऐसा पाया गया था कि जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, उनके कंप्यूटरों में ऐसा कुछ हुआ है, ओके। सो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। क्वांटम जंप इन इंडियन मिलिट्री माइट, इंडिया भी एक बड़ा इकोनॉमी है, अभी 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो वो भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप इकोनॉमिकली बड़े हो, तो उस हिसाब से आपका फिर डिफेंस भी बढ़ता जाएगा। सो अभी इंडिया काफ़ी, और इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इफेक्टिव डिटरेंस, ओके, किसी से मतलब लड़ना नहीं है, बट कोई अगर करे तो उसे हारना भी ऐसा नहीं है, ठीक है। डीआरडीओ जो है ये फॉर्म हुआ था 1958 में, ये एमलगमेशन ऑफ, इसमें पहले भी, उस डीआरडीओ से पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, इन तीनों को मिला के ये डीआरडीओ बनाया गया है। ये एक था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये ऑफ इंडियन आर्मी का था,
एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन विद द डिफेंस एंड साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इनको मिला के बनाया गया डीआरडीओ। ओके, डीआरडीओ बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था उस समय, जैसे इसमें 10 एस्टेब्लिशमेंट और लेबोरेटरीज थे। ओके, ओवर द ईयर इसमें ग्रोथ बहुत हुआ, क्योंकि अभी सिर्फ, पहले जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ बंदूकों से होती थी, बट अब आज ऐसा नहीं है। आज तो वार भी ना हो, आज तो ऐसा सिस्टम आ गया कि वार भी ना हो, वहाँ हमें जाना पड़े ना, बंदूक चलाना पड़े, और वहाँ वार हो, डिस इन्फॉर्मेशन कर दो, फैला दो कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है यही है कि इसमें इन्फॉर्मेशन का तो गेम है। ओके, जो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे फैला दो जिससे कि बिना लड़े ही हार हो जाए। ओके, इट हैज ग्रोन मल्टी डायरेक्शनली। ओके, क्योंकि आजकल सिर्फ एक साइड नहीं, जैसे बंदूक, उस समय तो सिर्फ बंदूक के लिए ही इतना किया जाता था, आज मिसाइल हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, और एयरक्राफ्ट हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, सो इतनी चीजें हो गए हैं आज के टाइम में, इन टर्म ऑफ वेराइटी ऑफ डीसी प्लेन। ओके, नंबर ऑफ लिबर्टी, इसकी वजह से ढेर सारी चीजों बनाया गया, जैसे कुछ लोग इस पे भी डिस्कस कर रहे थे, वायरस पे, वायरस ही बना के किसी देश पे से फेंक दो तो वो भी, ये भी एक प्रकार से वार हो सकता है। सो ये भी एक प्रकार का सिस्टम हो सकता है। टूडे डीआरडीओ इज द नेटवर्क ऑफ मोर देन 50 लेबोरेटरीज विच आर डीपली इंगेज इन डेवलपिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी कवरिंग डिसिप्लिन लाइक, आप जस्ट अब यहां से जान सकते हो कितने, मतलब एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल। सो आजकल ऐसा है, पानी पे चलने वाला गाड़ी होना चाहिए, अब उसके अलावा ढेर सारे और भी चीज़, जैसे कि अभी हम लोग ज़्यादा हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये नॉर्मल पेट्रोल वर्क ही नहीं करेगा, तो हमें उसके लिए स्पेशल डीजल एंड पेट्रोल चाहिए। सो वो सब एक एक चीज़ का डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, एडवांस कंप्यूटिंग एंड सिमुलेशन, स्पेशल मटेरियल, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चर। सेवरल मेजर प्रोजेक्ट में मिसाइल, आर्मामेंट, लाइट कॉम्बैट, एयरक्राफ्ट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। ओके, अचीवमेंट ऑलरेडी मेड, अभी बहुत कुछ हमने पहले से ही अभी बना के रखे, बट अभी बहुत कुछ हमें और जाना है, जैसे अभी फिफ्थ जनरेशन की बात हो रहा है, फिफ्थ जनरेशन में जैसे टेक्नोलॉजी वारफेयर का बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का बात हो रहा है, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट है वो भी फिफ्थ जनरेशन, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को लड़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वो खुद ही अपने आप ही सिस्टम से समझ जाएगा क्या करना है। AI की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में आदमी को सोचना होता है, वही सब सारे डिसीजन लिया जाएगा। विजन एक बार आप समझ लीजिए क्या है इसका, एम्पावरिंग द नेशन विद द स्टेट ऑफ आर्ट इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ओके, जो यही देश में ही बना हो। मिशन, डिजाइन, डेवलप, लीड टू प्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर, वेपन सिस्टम, प्लेटफॉर्म एंड एलाइड इक्विपमेंट फॉर डिफेंस सर्विसेज, प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू सर्विस सेस टू द ऑप्टिमाइज कॉम्बैट इफेक्टिवनेस एंड टू प्रमोट वेल बीइंग ऑफ द ट्रूप, develop infrastructure and committed quality manpower and build a strong indigenous technology base. Okay, ये आप देख सकते हो, ये है अग्नि मिसाइल। ओके, ये लॉन्च हो रहा है, आकाश हो गया, ये हो गया पिनाका हो गया, ये हो गया पृथ्वी मिसाइल हो गया, ये हो गया तेजस एयरक्राफ्ट। ओके, सब इस पे हम डिटेल में सब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।